मैं गुजरात की बाढ़ के बारे में है तो हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सर। लगातार एक हफ्ते से गुजरात के अंदर बारिश हो रही है। आज सुबह मैं आया तब तक बारिश चालू थी। नॉर्थ गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, असाना और साउथ राजस्थान के सिरोही, पाली, उदयपुर, इन ज़िलों के अंदर बहुत ही भारी से अति भारी बारिश हुई है। और इसकी वजह से आज सुबह की जो फिगर है वो 123 लोग अभी तक उसके अंदर मारे गए हैं। आज सुबह के न्यूज़पेपर की जो इंफॉर्मेशन है तो आई है वो। गुजरात के अंदर कितने इलाकों के अंदर हर साल है तो ये फ्लड आती रहे और इसकी वजह से लोगों की जान माल को नुकसान हमेशा होता रहा है। प्राइम मिनिस्टर अभी आए, हवाई निरीक्षण उन्होंने किया गुजरात के अंदर, फाइन अच्छा है, 500 करोड़ का अनाउंसमेंट भी किया है। मैं मिनिस्टर जी से जानना चाहूँगा, मिनिस्टर साहब आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि ये 500 करोड़ क्या कैश में दोगे आप, काइंड में दोगे या किसी काम किया है उसके अंदर उसको बना लोगे कि भाई ये काम किया इसलिए 500 करोड़ आपके पास आ गए, ऐसा आप समझ लीजिए। अभी तक उसमें से कितने पैसे रिलीज़ हुए कितने नहीं वो भी बताइएगा आप। हमारी कम नसीबी तो ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर कच्छ में गए थे, कच्छ के अंदर नर्मदा कैनाल का उद्घाटन किया और तीसरे दिन उसमें दरारें गिर गई पानी जाने के बाद। कल रात को भी सर ऐसा हुआ कि पूरे 20 साल से भाजपा की सरकार तो गुजरात के अंदर है, वो नर्मदा कैनाल का बहुत बड़ा काम उनके शासन के अंदर हुआ है, लेकिन रात को उस कैनाल में बहुत बड़ी ब्रीच हुई और 14 लोग एक ही फैमिली के उसके अंदर से है तो उसमें बह गए बनासकांठा जिले के है तो अंदर। दूसरी वैसे हमारी और भी एक कम नसीबी के प्राइम मिनिस्टर भी है तो गुजरात के, लीडर ऑफ द हाउस फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर वो भी गुजरात में से चुन के आए, टेक्सटाइल के मिनिस्टर वो भी गुजरात में अभी जाके उन्होंने फॉर्म भरा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो भी गुजरात के हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब कुछ हुआ है वो भी गुजरात के ही है और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर गए और 500 करोड़ का अनाउंस करके वापस आ गए, अभी तक तो कुछ पहुँचा नहीं है। 500 करोड़ से फ्लड की सिचुएशन में कुछ फ़र्क आएगा ऐसा मैं मानता नहीं हूँ सर। इतनी बड़े पैमाने के ऊपर जान माल का नुकसान हो, पूरा जैसा समंदर की तरह रखता है, हाईवे टूट गए, हाईवे के मिनिस्टर भी गुजरात के ही है, हाईवे जो है हाईवे का हाईवे टूट गए, संपर्क टूट गया लोगों का, आप जा नहीं सकते, एनडीआरएफ की टीम नहीं जा सकते उसके अंदर, लोग घर में से निकल नहीं सकते, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ऐसा कहा गया है कि आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले जाओ, हम आपको वहाँ से निकाल के सुरक्षित जगह पे नहीं दे सकते। 25,000 की जो बात है वो तो प्रेस के अंदर 3 दिन पहले की बात है, आज तक तो ज़्यादा से ज़्यादा करीब 1,00,000 लोग से कम इफेक्ट है तो उसके अंदर इफेक्ट नहीं होंगे जो अपने उस इलाके के अंदर फंसे हुए पड़े, लेकिन सरकार की ओर से हमारे चीफ मिनिस्टर सरकार को है तो रिक्वेस्ट कर रहे कि आप हमको पैसा दो तो ये सब चीज़ें हमें जल्दी से जल्दी हो रही। मेरी और भी विनती है, जिस तरह उड़ीसा में भाई ने अभी कहा कि आप जो है तो फ्लड रेजिस्टेंस या शेल्टर क्यों नहीं बनवाते, आपके पास में पैसा है, नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड भी है, उसको हर साल आप उसमें से पैसा स्टेट को भी देते हैं, वो पैसा 5 साल के बाद में आप डेवलपमेंट फंड में ले जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो करिए तारपोलिन शीट दीजिए, सिर्फ फ्लड फ्लड पैकेट्स के फोटो छपवाने से एनडीआरएफ की टीम 10-12 लोगों को उधर से नाव के अंदर ले जाके बचाने के जो फोटो छपवा के कामगिरी जो बताने का प्रयास हो रहा वो ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। इसकी वजह से मेरी आपसे विनती है कि गुजरात के बारे के अंदर, गुजरात के इन इलाके के बारे में स्पेशल सोचा जाए और उनको जल्दी से जल्दी राहत पहुंचा के उनके सामान्य जनजीवन है उसको है तो स्थापित किया जाए। और दूसरा, अगर जो जिस तरह फ्लड का फोरकास्टिंग हो सकता है, पाने डैम में कितना आ रहा है वो आप बता सकते हो, यही जो सिचुएशन है उसका भी अगर जो कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए तो मेरे ख्याल से देश के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा राहत होगी। ओके, थैंक यू। आई गॉट